अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फिर से एज़ यूजुअल जो डेली की रूटीन है, मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने नेक्स्ट एक सेशन के साथ। आज हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या दुनिया में आगे हो रहा है और क्या एडवांसमेंट हो रही है। इस बारे में बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो दुनिया में इस वक्त चल रही हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इन अ सिंपल लेमैन टर्म वो ये है कि आप कंप्यूटर को अकल दे दें, कि कंप्यूटर खुद अपनी मर्जी से डिसीजंस कर सके, वो खुद सोच सके और वो खुद फैसले कर सके। अब उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू वेरी मच। हाय काविश, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं बता रहा था कि ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट तरह का एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक आप कह लें आईटी से रिलेटेड एक चीज़ है, जिसमें हम कंप्यूटर्स को ये सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि वो खुद लर्न कर सकें। कि एक दफ़ा अगर आपने कंप्यूटर को 2 + 2 का आंसर बता दिया, 4, तो अब उसको इसके बारे में पता होगा और वो इस नॉलेज की बेस के ऊपर कि प्लस का साइन क्या करता है, अब वो क्या करेगा कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप उसको कोई भी नंबर्स देंगे तो वो उसको एड अप कर देगा। तो ये एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं एक शुरू शुरू में एक चीज़ यूज़ हुई थी, काफ़ी अरसा पहले की बात है। उसको उसका बड़ा एक टॉप उसका नाम था अलीज़े। अलीज़े एक चैट बॉट बनाया गया था और ये बात मैं कर रहा हूँ आई थिंक 1997-98 की बात होगी ये, रादर शायद उससे भी पहले की 94-95 की बात होगी ये। अलीज़े एक बॉट बनाया गया था जिससे आप चैट करते थे और वो चैट का रिप्लाई बैक आपको वो करती थी। तो आप उसके साथ नॉर्मली चैटिंग करें और आपको डिस्कशन करें सब कुछ। अच्छा, वो एक एक वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो चीज़। उसमें क्या था कि हमने उसको प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट कुछ रिप्लाइज बता दिए थे कि अगर यूज़र जो है वो हाय लिखे, हेलो लिखे, सलाम लिखे, ग्रीटिंग का कोई भी तरीका लिखे, तो आप वो चैट वो जो बॉट था वो ये समझता था कि ये ग्रीटिंग है, तो उसके अगेंस्ट वो भी आगे से हेलो हाय ये कुछ इस तरह की बात कर देते। तो ये एक सबसे बेसिक और सबसे शुरू के अंदर जो जिसको जो बेस बनाई गई वो ये थी। उसके बाद जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा जिससे ये एक चीज़ आगे फेमस हुई, उसको मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, बट स्टिल इट वाज क्लोज टू समथिंग, और वो थी आईफोन आईओएस के अंदर सीरी। सीरी भी यही करती थी कि आप उसके साथ बात करें और आपको उसके आपके जो भी आपकी आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वो आपको रिप्लाई बैक करेगी। तो वो उसको भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म के अंदर दिया गया था। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल एक बॉट लॉन्च किया था। उस बॉट का नाम था, सॉरी मेरे जहन से नाम निकल गया उसका, इट वाज अ ट्विटर बॉट एक्चुअली। उस्मान सिरी भी बहुत कुछ करती है, अगर उसके साथ गाना उसको कहो के गाना गाए तो वो गाना भी गाती है, ठीक है। अब बस अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉयड ऐसे कुछ भी नहीं करता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अब जो आके सैमसंग अपने लेकर आ रहा है उसके अंदर शायद कुछ चीज़ें हैं, या फिर अमेज़ॉन एको, उसके अंदर भी कुछ हैं जिसके अंदर वो आपको इन्फॉर्मेटिव बातें आपके मतलब कि आप उससे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मगर सीरी जो है वो क्या, सीरी के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसको आज के दौर के अंदर हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, तो मशीन लर्निंग भी जो है वो अब एक पार्ट बन चुकी है। मैंने आज डॉक्टर वजाहत काजी साहब को इनवाइट किया था कि वो आज हमारे साथ आए, इस पूरी की पूरी डिस्कशन के अंदर शामिल हों हमारे साथ और वो आके बता सकें
कि ये क्या चीज़ है और कैसे ये आगे चल रही है और दुनिया किधर को जा रही है, क्या क्या एडवांसमेंट्स दुनिया के अंदर हो रही हैं, स्पेसिफिकली बिकॉज ही इज़ ओवर हेयर इन एन एकेडमिक बैकग्राउंड, तो उनका एक अपना एक अंदाज़ होगा, उनको एक अपने तरीके से एक आइडिया होगा कि एकेडमिकली इसमें कितना काम हो रहा है इन पाकिस्तान. तो मैं उनका इंतज़ार करूँगा. ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ स्टिल नॉट हेयर. आई होप कि वो जल्दी ज्वाइन कर लें हमें. मोस्ट प्रॉबली किसी न किसी वजह से हो सकता है बिजी हो या स्टक हो गए हो. तो अनटिल अनलेस हम जो है नॉर्मल कुछ बातों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो रेगुलर हम लोग करते रहते हैं. कल की लाइव फीड में मैंने जो सबसे ज़्यादा एक बात की थी जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, और वो है हाई बीम लाइट्स. तो आप में से मुझे कोई सोल्यूशन बताए कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई जाए, क्या क्या इंटेलिजेंस यूज़ की जाए कि हम इन पढ़े लिखे अवाम, इन पढ़ी लिखी जो लोग हैं इसको क्या बता सकें, किस तरह सिखा सकें कि यार कुछ दूसरों का भी ख्याल कर लो. आगे से आने वाली गाड़ी बिल्कुल ब्लाइंड होती है, उसको नहीं नज़र आता. अनफॉर्चुनेटली अगर वो आपकी तरफ अटेंशन है उसकी होगी ऑन वन वे रोड, तो सॉरी टू वे रोड, तो अगर खुदा ना खास्ता लेफ्ट साइड के ऊपर कोई और साइकिल वाला बाइक वाला जा रहा हो या पैदल कोई बंदा खड़ा हो तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आता. और ज़रूरी नहीं कि हर बंदे की नज़र 6x6 हो, ठीक है. तो हम लोगों को इन चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. आई होप कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो आज के बाद जो है ना हाई बीम नहीं यूज़ करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी वेरी नेसेसरी. क्या उस्मान, क्या सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी बता दो मुझे, सोल्यूशन क्या है इसका. अच्छा जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये तो पीछे से आने वाली गाड़ी के लिए है, मगर जो आगे से फ्रंट से आपको आ रही है अगर टू वे रोड के ऊपर हैं आप तो फिर तो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है. फॉर्चुनेटली मतलब कि बाहर के मुल्कों के अंदर आई एम नॉट श्योर कि हर मुल्क में होता है या नहीं होता. आई लिव्ड इन दुबई, तो वहाँ पे ये होता है कि एक तो ये कि आपके जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन होती हैं, उसकी वजह से हाई बीम का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है. दूसरा ये कि सड़क के दरमियान में यूजली वहाँ पे इस तरह की रोड्स बहुत कम हैं जो टू वे हों, तो इवन जो वन वे रोड्स हैं उनके सेंटर में डिवाइडर इतना ऊंचा होता है या उसके दरमियान में दरख्त लगे होते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आगे से आने वाली गाड़ी की बीम्स आपको नहीं इफेक्ट करती. तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं है. एनीवे तो मैं स्टिल अभी इंतज़ार कर रहा हूँ वजाद साहब का ताकि वो आए आकर इस टॉपिक पे बात करें. इतने में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कुछ मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ मूवीज़ के साथ, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ. मेरा ये ख्याल है कि मूवीज़ जो हैं वो आज से कुछ अरसा पहले के लोग जो थे वो नॉवेल्स पढ़ते थे, उनको रीडिंग का शौक होता था, मगर आजकल आई थिंक टाइम इतना कम हो गया है हम लोगों के पास और इतनी चीज़ें करने के लिए कि वो नॉवल पढ़ने का शायद टाइम बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि हम हर बंदे ने ऑनलाइन होना है, फेसबुक देखना है, चीज़ें करनी है इधर उधर. तो मूवी जो है वो 2 घंटे की 3 घंटे की एंटरटेनमेंट में आपको तकरीबन सब कुछ नहीं मगर तकरीबन एक कुछ लेवल के ऊपर आपको वो पोर्ट्रे कर देती है जो राइटर सोच रहा है. तो कुछ अरसा पहले, बल्कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, मैंने Forbes.com के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था. उसमें यह था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राइटर्स ने प्रिडिक्ट की थी, जिन्होंने फोरसी कर रहे थे वो कि जी ये फ्यूचर के अंदर हो जाएगा और वो 50 साल बाद या 100 साल के बाद वो वाकई ही हो गया. उसके अंदर सबसे पहली एक चीज़ उन्होंने डिस्कस की थी, आई डोंट रिमेम्बर द टाइमलाइंस, कि वो 200 BC में था या 300 BC में था. एक बंदे ने प्रेडिक्ट किया था, उसने अपने नॉवल के अंदर ये लिखा था कि एक उड़ती हुई चीज़ आई जिसके ऊपर पर थे
और लोग उसके अंदर बैठे और वो चले गए. वो साइंस फिक्शन टाइप का नॉवल था. उसके अंदर उसने प्रेडिक्ट किया और उसके कई 100 साल के बाद जाके हेलीकॉप्टर बना. इसी तरीके के साथ एक और कोई नॉवलिस्ट था जिसने अपने नॉवल के अंदर जिक्र किया था कि जी आज के दौर के अंदर अब कॉइन्स इस्तेमाल होने ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि पहले इस ज़माने में कॉइन्स यूज़ होते थे एज ए करेंसी, या गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स जो भी होते थे उस टाइम पे. तो उसने कहा कि जी आजकल के ज़माने, जो उसने फ्यूचर दिखाया उसमें अपनी पूरी स्टोरी के अंदर, उसने कहा कि जी आज जो है एक ऐसी चीज़ आ गई है कि एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, लोग जाते हैं कुछ भी नहीं देते और चीज़ें खरीद के वापस आ जाते हैं. तो वो उसके अगेंस्ट जो है हमारे अब टाइम के अंदर वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स अवेलेबल हैं. अच्छा, अगर इसी तरीके के साथ मैं कुछ 90s की या 80s की मूवीज़ को देखूं, तो मेरा ख्याल में कि कुछ चीज़ें उन्होंने प्रिडिक्ट की हैं, जिसमें हमारे सामने सबसे पहली आई थिंक जो हम पाकिस्तानियों को या मेरी जनरेशन को जो रिमेम्बर है मूवी, वो टर्मिनेटर है. टर्मिनेटर के अंदर, उसके बाद टोटल रिकॉल, उसके बाद यूनिवर्सल सोल्जर, उसके बाद द मैट्रिक्स सीरीज पूरी आई, इस सारे के अंदर एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, जो मेरा अपना पर्सनल ख्याल है. वो मैसेज ये है कि दुनिया जो है वो टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा रही है, और रोबोटिक एक जो एक टाइम है वो करीब है कि इंसानों से काम नहीं करवाया जाएगा, अब रोबोट्स से काम करवाया जाएगा. तो जो रोबोट्स हैं, क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद खुद सीख सकते हैं, वो खुद सोच सकते हैं, उनके अंदर एक इमोशनल क्राइटेरिया, एक उनका भी अब वो डिफाइन हो जाएगा कि वो किस बात पे किस तरह का रिएक्ट करेंगे. तो अल्टीमेटली उन मूवीज़ के अंदर ये दिखाया गया कि जितने भी रोबोट्स थे वो इंसानों के खिलाफ उठ गए, क्योंकि इंसानों ने कुछ जगहों पे, जिस तरह हर जगह पर हमारे अभी मुल्क में भी, बाकी दुनिया के अंदर भी, दोनों लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों होते हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, कुछ एक चीज़ को बिलीव करते हैं, कुछ दूसरी चीज़ को बिलीव करते हैं. तो इसी तरीके के साथ उसमें उन्होंने ये दिखाया गया कि कुछ लोगों ने रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया. अगर मैं मैट्रिक्स सीरीज की बात करूँ, तो मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने इंसानों ने रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि रोबोट्स जो थे वो जितनी भी लेबर थी वो लेकर जा रहे थे, तो ह्यूमंस के पास जॉब्स नहीं रही थी. अब जब ये काम शुरू हुआ तो रोबोट्स ने सोचना शुरू किया, और उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने आगे से लड़ना शुरू कर दिया. तो अब ह्यूमंस को ऑब्वियसली, क्योंकि रोबोट्स वर मेड इन अ परफेक्शनिस्ट वे, तो रोबोट्स जो थे वो उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया. तो इंसानों को अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें. तो ह्यूमंस ने ये किया कि उन्होंने कहा कि इनकी पावर सोर्स कट कर दी जाए, अगर पावर सोर्स इनकी कट कर देंगे तो रोबोट्स विल डाई. तो बिल्कुल इसी तरह हुआ. ह्यूमंस ने क्या किया कि उसमें अपनी पावर सोर्स उनकी कट की, एनर्जी जितनी थी दुनिया से वो ख़त्म की, तो रोबोट्स डाई, मरना शुरू हो गए. कुछ अरसा वो मरते रहे, और उसके बाद उनको पता, उन रोबोट्स ने फिर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेस्ड थे, उन रिसर्च भी करते थे, वो सोचते भी थे, तो तो उन्होंने ये सब कुछ करने के बाद उनको ये ख्याल आया कि हम क्यों इस एनर्जी के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों ना हम सोलर एनर्जी के ऊपर चलना शुरू कर दें. तो रोबोट्स ने अपने आप को दोबारा से डेवलप करना शुरू कर दिया, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी. अच्छा, जब सोलर एनर्जी पर उन्होंने आकर दोबारा से इंसानों को मारना शुरू किया, तो फिर इंसानों ने सोचा कि अब क्या करें. तो इंसानों ने अल्टीमेटली क्या किया कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट से ब्लैक प्लैनेट में कन्वर्ट कर दिया. तो अच्छा जी, वजाद साहब आई थिंक ऑनलाइन आ गए हैं. तो अच्छा, उन्होंने जो है कन्वर्ट करना शुरू कर दिया दुनिया को ब्लैक प्लैनेट में. उन्होंने इतना ज़्यादा हवा के अंदर धुआं छोड़ा दुनिया के अंदर कि दुनिया की एटमॉस्फेयर को कवर कर दिया, और इंसान सारे के सारे अंडरग्राउंड चले गए. ये जब हुआ सब कुछ, तो फिर रोबोट्स ने दोबारा सोचना शुरू किया कि अब सोर्स ऑफ एनर्जी उनका क्या होना चाहिए. तो जब ये बात के ऊपर उन्होंने सोचना शुरू किया, तो उन्होंने जब ये देखना शुरू किया, तो फिर उनको ये पता चला कि इंसान की ह्यूमन बॉडी के अंदर
ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है. ब्रेन जो है इंसान का, वो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या कैलकुलेशंस हैं, बट कुछ बीटी यूज करके कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसके अंदर इंसान का जो दिमाग है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो इसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर. तो जब रोबोट्स को ये पता चला कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ह्यूमंस को उगाना शुरू कर दिया. तो ह्यूमंस वर नॉट बॉर्न एट देन, ह्यूमंस वर ग्रोन इन फील्ड्स. ये उनका डायलॉग था उसके अंदर, मैट्रिक्स मूवी के अंदर. तो इस तरीके के साथ ह्यूमंस को दोबारा जो था बनाया गया और उनको उगाया गया ताकि रोबोट्स अपनी एनर्जी उनसे हासिल कर सकें. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर और उनका डिज़ास्टर दिखाने के लिए और उनकी एक प्रिडिक्शन करने के लिए कि दुनिया में आगे ऐसा हो सकता है. टर्मिनेटर 2 को देखें तो वो भी इसी तरह था कि इंसान ने इंडिस्ट्रक्टेबल किस्म का एक आर्मी का एक रोबोट बनाया, वो खुद सोचता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने वो खिलाफ हो गया ह्यूमन के और वो ह्यूमंस को ही मारना शुरू हो गया और अब वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको मारने के लिए भी कुछ समझ नहीं आ रही. तो टर्मिनेटर 2 जो है वो वापस आता है पास्ट में एंड एवरीथिंग जो भी वो होता है उसके बाद. ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं, ये डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो इसको उसको देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है. ठीक है, मैं सॉरी, मैं ज़रा वजाहत साहब को इनवाइट कर लूँ. अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब, आई थिंक आप देख रहे हैं मुझे, मगर आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन नहीं हैं. तो आपको मोबाइल से अपने ऑनलाइन होना पड़ेगा क्योंकि ये फेसबुक जो लाइव सेशन है ये विदाउट मोबाइल नहीं चलता. तो आप काइंडली अपने मोबाइल से ऑनलाइन आएँ, क्योंकि फिर आप मोबाइल से ऑनलाइन आएंगे तो मैं आपको इनवाइट कर सकूंगा. मुझे यहाँ पे इनवाइट का फीचर इस तरह नज़र नहीं आ रहा. अच्छा जी, तो बिल्कुल अली उस्मान, बिल्कुल ये सारी मूवीज़ जो थी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर थी और ये वही शो करना चाह रही थी. आई थिंक कि वो प्रिडिक्शन दे रहे थे और बता रहे थे कि फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है. मैंने शुरू में भी थोड़ी सी बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक लॉन्च किया था बॉट ट्विटर के ऊपर. मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, आई थिंक इट वॉज टेड और टॉड और समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या हुआ कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था. वो क्या करता था कि दूसरे लोग जो उसको ट्वीट करते थे उससे वो अपने आप को अपनी उसने लर्निंग शुरू कर दी थी और वो खुद सीखना शुरू हो गया था कि किसको क्या रिप्लाई करना है और कैसे बात करनी है. तो उससे ये हुआ कि विद इन 24 आवर्स, बल्कि लेस लेस देन 24 आवर्स, वो बॉट रेसिस्ट हो गया. उसने लोगों ने उसके साथ वो स्लैंग्स और वो लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी कि वो बॉट रेसिस्ट हो गया. अब वो रेसिज्म के ऊपर बात शुरू कर दी और वो लोगों को गालियाँ निकालनी शुरू हो गया. तो इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी ये ज़रा कोई इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है. और हर एक का एक अपना पड़ा आपको इस कॉल में. तो आई होप कि हम इस टॉपिक के ऊपर और कुछ ज़्यादा सीख सकेंगे उनके. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वजाहत साहब, अस्सलाम, सर क्या हाल चाल अल्लाह है का आपके? शुक्र है ठीक ठाक आप हैं आप? सुनिए. अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कोई बात अस. नहीं, एनी टाइम. एक ऐसा टॉपिक था कि जिसके ऊपर हम लोग बात करना चाहते थे लोगों को, जिनको नहीं पता इस बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है. जी हमारे जो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हम वो बायलिंगुअल रख श्योर, सकते थैंक यू. हैं इफ यू ओके विद दैट, हाँ ताकि हर तरह के लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन जा क्यों सके. नहीं. हम लोग ने कोशिश ये की कि एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए कि जो कुछ लोगों के लिए हमारे में से बिल्कुल नए हैं और हम लोग उसको एक जिन समझ के समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ सही है और पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है. सही ठीक है, तो आप काइंडली अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो थोड़ी सी ऑडियंस मेरे साइड की, आपकी साइड की, तो सब ऑडियंस आपको जान जी. चुकी है,
मेरे साइड के थोड़े से लोग जो है आपको जान सकें कि आप क्या करते हैं और किस तरह राइट है, और फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बात जी करते हैं। श्योर. राइट नाउ मैं कॉमसेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पिछले कोई 10-12 साल और से काम कर आर्टिफिशियल रहा हूँ. एंड हमारे यहाँ यहाँ पे छोटा सा रिसर्च ग्रुप भी है IM रोबोटिक्स के नाम से, तो बस सस्ता चल रहा है हमारा. जी तो सर एकेडमिकली अगर हम इस पे बात जी जी करें तो एकेडमिकली पाकिस्तान में इसमें कितनी एडवांसमेंट है और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके ख्याल में इसको सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ को? अगर आप मुझसे ये सवाल आज से कोई 3 साल पहले करते तो शायद मेरे पास का कोई इतना अच्छा जवाब ना होता, मगर पिछले 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत रैपिड चेंज आई है, स्पेशली जब हम लोग ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं. इस टाइम आपके पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि जितनी ठीक मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज ठीक है, है। जितनी भी हैं पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। वो इसके ऊपर अच्छा खासा काम कर रही हैं. तो आई थिंक जिस तरीके से इस टाइम करंट सूरत हाल है, आई बिलीव कि अगले 7-8 सालों में हमारी जो पोजिशन होगी बड़ी अच्छी होगी पाकिस्तान में AI के हवाले से एंड रेलिवेंट डोमेन. बिल्कुल। अच्छा सर, मैं दोबारा बिल्कुल एक दोबारा से एक बेसिक एज ए ले मैन वहाँ से हम एक थोड़ा सा टॉपिक को लेके चलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, शायद मेरी सही डेफिनेशंस सही. गलत है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये होता क्या है और क्या किस तरीके से काम करती है ये चीज़। देखिए अगर हम उसको बहुत सिंपल प्लेस करें तो आप ये समझ लें कि जो ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है या ह्यूमंस की इंटेलिजेंस से रेलेवेंट किसी भी किस्म की जो फीचर्स हैं, जब हम उसको मशीन पे मॉडल कर लेते हैं ठीक है। और मशीन उन फीचर्स को यूज करके रिस्पॉन्स देती है, तो इसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में AI कह सकते हैं. इस बड़ी सिंपलेस्ट ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक आपका मोबाइल फोन आर यू गेटिंग मी? नाउ आई एम ओके. नाउ इट्स इसके ओके। मुताबिक आपकी रोजमर्रा की डिवाइसेस बहुत सारी हैं, आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर, मोर और लेस किस तरह किस तरीके से वो AI के डोमेन में फॉल कर जाती हैं. मगर जो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डेफिनेशन है जिसको हम स्ट्रॉन्ग AI कहते हैं, वो ये कहता है कि जो आपकी ठीक है। माइंड के फीचर्स हैं लाइक मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लर्निंग है, ये कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी मशीन में होना जरूरी है. मगर जो वीक साइड है उसमें कोई एक फीचर भी हो जाए तो चलता है. इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, ठीक है जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा जी था कि एक बड़ी एक नई डिबेट शुरू हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। कुछ लोगों का ये कहना है अब कि जिस तरीके के साथ पुराने ज़माने के अंदर जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो वैसे वैसे इंसान को उन चीज़ों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। पहले ये समझना शुरू कर दिया कि इंसान जो है वो जी पत्थरों से बना है, फिर सोचना शुरू कर दिया जी इंसान जो है ना वो केमिकल्स का सिर्फ बना हुआ, फिर आए तो पता चला जी इसमें हो सकता है मेटल्स भी हों। अब हम लोगों ने कंप्यूटर्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया है इंसान के साथ, और अब हम ये समझना शुरू हो गए हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर है। तो क्या आपके ख्याल में क्या वाकई ही ये कंप्यूटर है? इसके अंदर स्टोरेज होती है ह्यूमन ब्रेन के अंदर कि नहीं? बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़ा फिलोसॉफिकल है. देखिए मैं कोशिश करता हूँ इसको बहुत सिंपल सा इसको जितना आसान हो सकता है मैं उसको आई कैन डिस्क्राइब. आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, असल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बिल्कुल स्टार्ट पे जो बुनियाद पड़ी थी उसपे जो फंडामेंटल क्वेश्चन प्लेस किया गया था वो यही था कि ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस जो सा है वो शायद कंप्यूटेशन है, वो कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है. तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ठीक AI है। का, दैट इज टू फाइंड आउट कि ह्यूमन प्रोसेसिंग जो सी है ब्रेन की, क्या वो कंप्यूटेशनल है या नहीं. तो अगर मशीन सर्टेन टेस्ट ठीक है। क्वालिफाई कर जाती है या इंटेलिजेंट हो जाती है तो हमें ये ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं जहां पर शायद ह्यूमन ब्रेन क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है. इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब आपके इसी पॉइंट में पॉइंट ठीक और है। आता है कि क्या ह्यूमन ब्रेन वाकई ही ऐसा है या नहीं है.
असल में कंप्यूटर साइंस काफी एडवांस कर गई पिछले 15-20 सालों के अंदर अंदर। ठीक है. अब तो हम शायद ये सोचना शुरू हो गए हैं कि जो पूरी यूनिवर्स है वो एक कंप्यूटेशनल मॉडल पर कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। लेकिन आप तो अभी इसको इमेजिन करें कि बिग बैंग के बाद कोई एक एल्गोरिथम था जिसके रिजल्ट में जमीन सूरज के इतने फासले पे आके कंस्ट्रक्ट हुई कि लाइफ पॉसिबल हो गई। तो बिल्कुल हो सकता है. कुछ ना कुछ तो एल्गोरिथमिक मैकेनिज्म था बीच में, वो क्या है। तो अब सिर्फ ये जो आपकी पॉइंट है ये सिर्फ इंटेलिजेंस पे अप्लाई नहीं हो रहा, रहता हमारी पूरी लाइफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जो बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं इस डोमेन के वो बिल्कुल. तो अब ये भी कहते हैं कि शायद कंप्यूटेशन इज एग्जिस्टेंस, लाइफ के पीछे जो कुछ भी है वो कंप्यूटेशन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके. अच्छा सर, ये अभी क्वेश्चंस भी साथ साथ लोग कर रहे हैं, हम उनका भी आंसर करना शुरू कर देते हैं जी साथ साथ ही. एज मशीन रिप्लेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी व्हिच रिजल्ट सो मच जी अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपके ख्याल में क्या फ्यूचर देखिए टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो लेस स्किल जॉब्स एलिमिनेट हो जाती हैं, इट्स अ हार्ड रियलिटी। मगर उसके अगेंस्ट बहुत सारी स्किल जॉब्स क्रिएट होती हैं, और यही इशू से चलता आया। ठीक है. जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी या इतने एडवांस नहीं थे, लोग बाहर खड़े होते थे, झंडी लेके खड़े होते थे, कहते हैं या खतरा यहाँ से आगे ना आ जाए। आज आपके पास इंडस्ट्रीज लग गई हैं, बिल्कुल फ्लैशर्स ऐसी. बन रहे हैं, इंडिकेटर्स बन रहे हैं। देखिए इंडस्ट्री लगी है और स्किल जॉब्स क्रिएट हुई हैं। बिल्कुल तो ऑब्वियसली ये जरूर है कि बिल्कुल. आने वाला वक्त बहुत ज्यादा इनोवेटिव है। यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव, ताकि आने वाले वक्त के जो चैलेंजेस हैं हम उन्हें मीट कर सकें। अगर आप ये कहें कि 9 to 5 जॉब, मैकेनिकल जॉब मैं कर लूंगा, सुबह गए शाम गए वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, फिर जरा रूटीन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा काफी ज्यादा। तो ये मामला तो है अपनी जगह पे। बिल्कुल. इसका मतलब जो हमारी गवर्नमेंट की जॉब्स है ये थ्रेट में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. नहीं मैं ये कहूंगा जितनी भी लेस स्किल्ड जॉब, देखें इट्स वेरी ऑब्वियस, आपके पास ऑटोनोमस कार्स आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज के बिल्कुल. ऊपर ये जो ऑटोनोमस कार्स हैं ये ऑटोनोमस टैक्सी बन जाएंगे। यूएई में ऐसे कुछ बिल्कुल प्रोजेक्ट बन स्टार्ट जाएंगी. भी हो गए हैं, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 10 साल लगा लें, 10 साल के अंदर ही तो 15 साल के अंदर आपका ये ऊबर और ये जितने भी इस तरह के जाइंट्स हैं ये सब के सब ऑटोनोमस कार्स के ऊपर आ जाएंगे। तो जो ड्राइवर तबका है बिल्कुल वो कहाँ जाएगा। सिंपल पॉइंट, बिल्कुल ठीक सही है। है. ऑब्वियसली उनके लिए गवर्नमेंट्स को और पूरी दुनिया में इस पे काम होना शुरू हो गया हुआ है कि दे आर प्लानिंग कि जो वो लेस स्किल्ड जॉब्स जो एलिमिनेट होनी है उनका रिप्लेसमेंट क्या है। उसके लिए न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स बनना शुरू हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, स्किल अपग्रेडेशन के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पाइपलाइन में है जो कि आई बिलीव के शुरू हो जाएंगे। ठीक है. अच्छा जी, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आया है, ये बड़े मजे का है कि जी आपकी अपनी जॉब कितनी रिस्क पे है इसमें. मेरी अपनी जॉब कितनी रिस्क के ऊपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना। तो अभी आज से कुछ 10-12 साल पहले इंटेलिजेंट ट्यूटिंग सिस्टम डिजाइन होना शुरू हुए थे स्कूल के लिए, और अभी रिसेंटली अमेरिका बिल्कुल में कुछ जगहों पर इन्होंने आर्टिफिशियल आइंस्टाइन का मॉडल बना के, एक रोबोट टाइप है, उसे 5th ग्रेड के बच्चों को डिप्लॉय किया है टू टीच फिजिक्स, और इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग के अंदर। तो आई बिलीव के जो टीचर असिस्टेंट्स हैं वो तो पहले पहले हिट होने वाले हैं, और उसके बाद यकीनन अभी 10 सालों बिल्कुल में, होने वाले बीस हैं. में 30-40 सालों में टीचिंग मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डेफिनेट बात है मैट्रिक स्टाइल में चली जाएंगी, स्मार्ट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, तो टीचर का जो बिल्कुल रोल है क्लासरूम के अंदर वो काफी चेंज हो जाएगा। इट विल बी मोर लाइक ठीक है. अच्छा जी ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा इसमें आ रहा है कि जब इंटेलिजेंस कंप्यूटर को मिल जाएगी तो क्या वो इमोशंस के साथ भी उनका इंटरेक्शन होगा, वो जी क्यों इमोशनली नहीं हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे? जी जी अच्छा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हम लोग, मैं अपने दोस्तों को कोट करता हूँ
कि लैंग्वेज जो है और आपके बोलने का तरीका जो है ये बहुत मैटर करता है. जी क्योंकि अगर मैं अपने किसी दोस्त को एक बैठे हुए वैसे ही कह दूं कि यार वो कुत्ता ना हो बिल्कुल ठीक तो वो शायद मैं उसको मजाक में कह रहा हूँ, मगर जैसे ही मैं उसको जरा हार्श तरीके से बोलूंगा तो वो ऑफेंसिव हो जाएगा. बिल्कुल. ठीक है, तो कंप्यूटर्स इस तरह की बात को कैसे अंडरस्टैंड देखिए करेंगे? इस वक्त तो अभी हम इमर्जिंग फेज पे हैं, ठीक है ना. यकीन बेशुमार यूनिवर्सिटीज पे इस तरह के प्रोजेक्ट हो रहे हैं जहां पर इस तरह के जो इमोशन बेस्ड जो कॉन्टेक्स्ट है उसका एनालिसिस करने के बाद सिमेंटिक्स जनरेट किए जाएं, इस पे काम हो रहा है. बट अभी स्टिल ये जो एरिया थोड़ा ग्रे है. ऑब्वियसली शुरू शुरू में चीजें इतनी स्मूथ नहीं होती, टेक्नोलॉजी आती है और उसके साथ साथ इम्प्रूव होना शुरू होती है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. मेरा ख्याल है कि अगले 50-60 बिल्कुल. सालों में ये जो आप बता रहे हैं इट वुड बी प्रीटी इजी. अभी थोड़ा सारा यस इट्स अ रोजी, इट्स नॉट दैट सिंपल. ठीक. अच्छा सर, अभी जो लेट्स से कि अब हम अगर इस फील्ड के अंदर अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे आईटी ग्रेजुएट्स इस वक्त मार्केट में भरे हुए हैं जी जी और आपके साथ उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन है बिकॉज़ यू आर टीचिंग देम ऑलरेडी. जी जी तो हम थोड़े से हम भी बाहर निकल आए मार्केट में बात की, तो वो कुछ लोग जो है वो हमें अप्रोच करते हैं कि जी हमें गाइड करें. तो आपके ख्याल के अंदर, क्योंकि हम जो एकेडमिकली, मुझे नहीं पता आज से 8 साल पहले 10 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तो उस वक्त जो चीज़ पढ़ाई जा रही थी क्या आज भी वही पढ़ाई जा रही है कि नहीं? वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है? कोई लैंग्वेज नई हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? कोई नए स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? और उसके बाद ये कि जो इस वक्त, क्योंकि जो सॉरी मेरी आई थिंक ये फीड थोड़ी सी, हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आना शुरू हुई है. जी अच्छा, मेरी आई थिंक वीडियो स्टक हो गई है आपकी. जी आई थिंक वीडियो स्टक हो गई थी. आई एम नॉट श्योर कि ये दोबारा चल रहा है कि नहीं चल रहा. कोई प्लीज़ कमेंट करके हमें मुझे बता दे कि इफ़ यू आर स्टिल सीइंग मी लाइव. वजाद साहब भी आई थिंक क्विट हो गए हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं. बैक ओके ऑलराइट. जी जी वेलकम बैक. सॉरी आई थिंक कुछ ये हमारे, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हमारा पीटीसीएल नहीं ठीक ये होता. भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. तो अच्छा, जो ये अब लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे गाइड किया जाए कि इस फील्ड के अंदर आए? बिकॉज दुनिया के अंदर अगर हम देखें इस वक्त हर तरफ मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और कंप्यूटेशनल पावर की बात हो रही है. गूगल अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो सब कुछ चीज़ें इसी चीज़ के लिए लॉन्च कर रहा है. हमारे पास ब्लॉकचेन आ गई तो वो भी उसमें बिल्कुल हाई सिस्टम, हाई स्पीड फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स जी. चाहिए. देखिए तो ये इस फील्ड के अंदर कैसे आए, अपने आप को कैसे स्टेप इन करें? पहली बात तो यह है कि जो जो भी हमारे कोर्स मॉड्यूल्स ऑफर हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दे आर सफिशिएंट टू स्टार्ट विद. मगर उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व ठीक है. किया है वो ये है कि हमारा जो कंप्यूटिंग का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स को सीरियस नहीं लेता, ठीक है ना. दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन. हमें हमारे लिए चीज एक मसला बन जाती है. आई थिंक जो न्यू कमर्स हैं जब वो ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं तो जितना सीरियस वो कंप्यूटिंग के कोर्सेज को ले रहे होते हैं उतना ही सीरियस वो मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज को लें. क्योंकि विदाउट मैथमेटिकल मॉडलिंग विदाउट स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और उनके मॉडलिंग के बगैर यू कांट डू एनीथिंग और स्पेशली एआई भी पॉसिबल नहीं. इसी तरीके से हम लोग वी ठीक आर है. नॉट रेडी. अब हमारा जो ग्रेजुएट है या जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है
वो अभी इसको तस्लीम करने पे तैयार नहीं हुआ कि अगर वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है तो कहीं पे अगर उसको फिजिक्स पढ़ने पड़ जाती है तो वो उसको कहता है ये लाइट कोर्स है, मैंने किसका क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल वक्त बहुत बदल गया है, ठीक है ना। अब वो किसी जमाने में हम जब स्टूडेंट थे हमें कहा जाता था कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, अब बदल गया है। अब वक्त ये है कि यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ठीक है ना। आपको फिजिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी ओके चाहिए, गुड आपको बायो की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी आप कोर्स, उसके बाद के एआई जो है वो कॉकटेल है, बस इन सब चीजों का मिक्सचर है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फर्स्ट डे ठीक ऑफ है द बीएस फिर स्टार्ट किया आपने प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, ऑल द वे यहाँ पे आपने फिजिक्स पढ़ी, मैथ्स पढ़ा, स्टैट्स पढ़ी, सब में जाके एंड के ऊपर इवन के मैट्रिक की बायो भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक जिन्होंने है एआई में ठीक है कैरियर बनाना है, लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना है, वो हर डोमेन को एक्सेप्ट करे, उसके बगैर मुश्किल है। ठीक है ठीक है ठीक। बिल्कुल इसी तरह मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक किसी मेरे जानने में कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक बंदे ने, बड़ा अच्छा बंदा जिसको मैं जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, तो उसने भी एक चीज शेयर की हुई थी कि यार मैथमेटिक्स किसने बनाई थी, बीएससी भी खत्म हो गई, आज मैं जाके उससे पूछूं कि क्या बनाया था ये। ठीक है तो आई डोंट नो कि वो उसने फिर बीएससी अच्छी नहीं की, या तो क्योंकि मुझे पता है कि ड्यूरिंग बीएससी वो मैथमेटिक्स कितनी जरूरत पड़ी थी उसकी ड्यूरिंग माय ग्राफिक्स कोर्स। ठीक है तो अच्छा ये और क्वेश्चन साहब का है कि जी व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ फॉर अस। किसके लिए? आई थिंक एआई के हवाले से है या देखिए, अगर तो हम पाकिस्तान मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान मार्केट में भी जो ट्रेंड है वो डेटा साइंसिस का ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डेटा माइनिंग, डेटा साइंसिस का ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी हमारे यहाँ जो जॉब्स है वो प्योर ठीक एआई में नहीं बन रही, सो एक दो जो सेक्टर्स हैं वो कुछ प्योर एआई में जंप कर रहे हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो लोग हैं जैसे डेटा साइंस है, डेटा माइनिंग है, ये आपके एक्चुअली एआई की एक एप्लीकेशन में से एक डोमेन बन जाती है। लोगों को वैसे मेरी बात की अच्छी लगती ठीक नहीं, है वजह मैं ये करता हूँ, बहरहाल दैट इज फैक्ट। तो अभी मेरा ख्याल है कि जो स्मॉल स्टेप्स में कैरियर प्लानिंग, दैट इज टू मूव टूवर्ड्स डेटा साइंस या डेटा माइनिंग वाली साइड, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी। जी, मेरे ठीक टीचर है शहजाद अनवर साहब हैं, वो अच्छा भी ऑनलाइन हो गए हैं अच्छा अभी मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने बीएस में पढ़ा था, शहजाद अनवर साहब, पता नहीं मेरी आवाज में जा रही कि नहीं जा रही। ओके ओके मुझे इनके लेक्चर एक याद आ गया, ये हमें पढ़ा रहे थे फर्स्ट, तो इन्होंने मैं कहा कि ये होगा वो होगा, मैंने एक पूछा सर हम क्या करेंगे, उन्होंने बड़ा मजाकिया जवाब दिया, वजाहत अगर तुम्हें कंप्यूटर के स्पेलिंग भी याद हो गए ना सही तरीके से तो हमारे पास सर को जाने का टाइम भी नहीं होगा तो आई विल रिपीट द सेम स्टेटमेंट कि जिन लोगों को एआई थोड़ी सी भी समझ आ गई तो उनके लिए भी यही सेम सिनेरियो है कि फ्यूचर इज स्काई इज लिमिट। स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल अच्छा सर इसमें एक और चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आजकल थोड़ा सा एकदम मैं इंटरनेट के ऊपर जो नॉर्मली ब्लॉग्स और सब कुछ देख रहा होता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड अब कम यूज होना शुरू हो गया, मशीन लर्निंग ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है। ये क्या कोई चेंज आया है इसके अंदर इंडस्ट्री में, ये क्या चेंज चीज ही है आया, कुछ? बेसिकली ये है कि देखें एक बात तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी डोमेन है जो ये कभी नहीं होगा कि आपके घर के बाहर आएगी, नॉक करेगी और बोलेगी आई एम दैट एआई जिसका आपको ख्वाब दिखाया गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि ये थॉट बिल्कुल इतना स्केरी है एक आम आदमी के लिए कि तो उसको हमेशा क्या होगा, तरीके से इस तरफ कन्वर्ट किया जाएगा। आज से 10 साल पहले ये चीज सोचना कि मशीन लर्न करे कि ये भी एक अजीब सी बात समझी जाती थी, आज इस ये कॉन्सेप्ट को लोग इजीली क्या कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फेज है, क्योंकि लर्निंग एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है इंटेलिजेंट होने के लिए, तो अब लोग उस पर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल अब जो नेक्स्ट फेज है दैट इज कॉन्टेक्चुअल अडेप्टेशन, जो लर्निंग के बाद आ रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ओके टेक्निकली okay. एक्सप्लेन कर सकूं, जो लोग तो मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करते हैं बिल्कुल वही बात समझ सकते हैं कि हमें बहुत लार्ज डेटा सेट चाहिए होता है किसी एक मॉडल को बनाने के लिए। अब हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि ह्यूमन जो सा ठीक है है उसको तो सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स काफी होती हैं,
किसी भी चीज को ग्रास्प करने के लिए, तो क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते? दैट ठीक है, इज द थर्ड जनरेशन। क्या अब हम लोग पहले लॉजिक बेस्ड कंप्यूटिंग से निकले, लर्निंग मेंटर हुए, अब हम मूव करें टू वर्स कॉन्टेक्चुअल अडैप्टेशन। स्मॉल एग्जाम्पल सेट से ही हम लोग बिल्ली में और किसी और जानवर में क्या कर सकें, डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सकें। तो ठीक मशीन है लर्निंग ठीक क्योंकि मेच्योर होगी ये ज्यादा, इसलिए उसका हमें नाम ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो इसी वजह से आई थिंक अब जो गूगल और एप्पल जो भी अब नई अपनी एडवांसमेंट्स कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग की तरफ चले गए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स आ गए ये क्योंकि ये और इस एरिया तरह की काफी और कुछ मैच्योर हो चुका एग्जांपल्स है। आप। ठीक है। अच्छा सर, इसमें हमारे जो अगर मैं अभी अपनी रेगुलर लाइफ में देखें, अगर हम देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर या मशीन लर्निंग के बेसिस के ऊपर हैं कि जिनको हम बता सकते हैं कि यार ये एग्जाम्पल्स हैं जो आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले तक हम जिनके बारे में सिर्फ सुनते थे या जिसकी वीडियो देखते थे, फिल्म में देखते थे, तो वो हो गया अब आजकल। जी, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपका गूगल खुद है, गूगल सर्च। इस टाइम गूगल का जो जो एक जो ठीक है प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज नॉलेज के ऊपर चल रहा है उनका जो प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा कि आज से 2-3 साल पहले जब गूगल पे सर्च करते थे तो साइट पे एक बार नहीं आती थी, आजकल वो बार आ रही है, जिसमें उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट एसोसिएटेड जो कंटेंट्स है वो भी आपको नजर आ जाता है। अगर आप डिविंची लिखते हैं, साथ में आपको साइट पर फ्रांस लिखा आ जाएगा, पेंटिंग्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो वो पीछे ग्राफ, एक नॉलेज ग्राफ मेंटेन करना शुरू हो गया। दैट इज वन ऑफ द एरियाज जहां पे आपको नजर आ रहा है कि एआई की जो क्लासिक टेक्निक्स हैं वो अब इस लेवल के ऊपर मैच्योर, ठीक मैं है सारे वर्ड से क्लासिक टेक्निक्स, ठीक है, तो वो अब मैच्योर होके ओके कमर्शलाइज होके और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंटीग्रेट होना शुरू हो गई हैं। गूगल क्लाउड खुद अगर आप देखें तो ठीक है उसमें जो उसका जो विजन बेस्ड क्लाउड है या जो मशीन लर्निंग बेस्ड क्लाउड है, अब आप उसमें एक वीडियो अपलोड करें और आप बोले आप मुझे वो सीन चाहिए जहां पे दरख्त है, ट्रीज हैं, तो वो आपको वो पूरी वीडियो में वो पॉइंट्स दे देगा ठीक जहां पे। तो इट मीन्स के देखें कंटेंट बेस्ड बेस्ड सर्चिंग हो रही है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वेरी ठीक है फंडामेंटल कह लें कि आर्टिफैक्ट्स हैं, क्योंकि एआई के किसी जमाने में हाइप थे, अब हमारी कॉमन यूज में। आपका मोबाइल फोन खुद एक, जब आप एक कैप्चर कर रहे हैं हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस, तो बैकएंड पे कहीं ना कहीं पे इंटेलिजेंट फिल्टर्स अपना काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वीक डेफिनेशन बिल्कुल ऑफ एआई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब इसको इस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब रोबोटिक्स के साथ अब मिक्सअप करें तो आपके ख्याल में रोबोटिक्स, अब क्योंकि पाकिस्तान में यूईटी के अंदर तो बड़े अरसे से इन चीज़ों पे काम हो रहा है, कभी कोई गाड़ी बनाते हैं, कभी कुछ जी। बनाते हैं, कभी, तो क्या इसके साथ जब हम लिंक करते हैं तो पाकिस्तान में इसका क्या आगे स्कोप कुछ है और कितनी इसमें अब कितनी डेवलपमेंट हो रही है जी रोबोटिक्स के बिल्कुल। अंदर? यू विल बी मेरे सुनो कि पाकिस्तान इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे इस टाइम काफी सीरियसली चीज ली जा रही है, क्योंकि तो मुझे खुद एक दो इस तरह की ठीक कमेटी है से अच्छा बैठने का इतफाक हुआ है। और इट्स 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 अ नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इसको किस तरह लिया जाता है। तो अभी जैसे नस्ट में डॉक्टर यासर रियाज हैं, यहाँ पे डॉक्टर यासर नियाज हैं लाहौर में, इंडस्ट्री से नबील साहब हैं एंड अदर पीपल, आईबीएस से भी हैं कुछ लोग हैं, कराची से, प्यास से हैं। तो ठीक है इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल कम्युनिटी नजर आ रही है, तो 20-25-30 लोगों की। तो इन्होंने गवर्नमेंट को ठीक है समहाउ कन्विंस किया, अब एक थिंक टैंक भी बन चुका है ऑन रोबोटिक्स। आप लोग ये देखें कि अभी आज से कोई आई थिंक 3-4 माह पहले सेंटर फॉर एक्सलेंस अप्रूव किया गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर 7 मेंबर यूनिवर्सिटीज हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें नस्ट भी है, कॉमसेट्स है एंड अदर यूनिवर्सिटीज, जो कि इसको लीड कर। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पूरा रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश होने को जा रहा है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो प्रपोजल सबमिटेड है अभी वो पाइपलाइन में, दैट इज सेंटर फॉर रोबोटिक्स, जहां पर फिर से क्या है, ओके और इस स्टेज के ऊपर जो रोबोटिक्स की जो डेफिनेशन प्रपोज की गई गवर्नमेंट को, उसमें जो कॉग्निशन है दैट इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ओवर देयर, कि अब हम आज के जमाने में अब हम रोबोटिक्स वो कह रहे हैं जिसका समहाउ कोई मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है उसमें कंप्यूटर विजन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है,
और वो कोई एक्शन लेता है, तो ओके जिसमें ये चार कंपोनेंट्स आ गए अब हम उसको रोबोटिक्स कह रहे हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव ठीक स्टेप है है मेरा ख्याल है। ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने एक बचपन में फिल्म्स देखी थी और जो सब कुछ देखा था, रोबोकॉप और इस तरह की चीजें और वो नाइट राइडर की गाड़ी जी और सब कुछ, तो ये इस वक्त मतलब कि हम उसके बहुत करीब हैं अभी। बिल्कुल ऐसे ही। देखें हमारे जब मैं स्कूल गोइंग होता था उस माले के जो फिक्शन थे आज उसमें से 30% जो जो फिक्शंस हैं वो मोर और लेस रियलिटी वाली फेज में आ गए। यस तो नाइट राइडर जैसी फैंसी कार तो नहीं आई मगर ऑटोनॉमस कार आ गई। गेटिंग माय बिल्कुल पॉइंट? ठीक है अभी आ हमारे गई। पास नाइट राइडर की तरह एक आम आदमी के लिए उसकी विंडस्क्रीन के ऊपर स्नेस तो नहीं आ रहे, मगर आई बिलीव कि अगर हम टेक्नोलॉजी को टैप करें तो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि अगले 3-4 सालों में विल बी देयर। ठीक है ऑटोमैन की तरह हमारे पास इस टाइम वो कर्सर तो नहीं है बट आई बिलीव के बिल्कुल नहीं। होलोग्राफिक्स जो से हैं वो फ्यूचर में काफी करीब हैं। इफ वी डू द मैथ तो हमें नजर आ रहा है कि हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं जो कि हमारे जमाने में कार्टून्स होते थे आज रियलिटीज हैं। एंड समटाइम्स आई वंडर कि डोरेमोन का जो उसके बिल्कुल फिक्शन है वो कब फ्यूचर में रियलिटी बनेंगे आई एम नॉट श्योर बट हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है। बिल्कुल ठीक। अरे सर, ये एक मुझसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप्स हैं जो एआई के ग्रेजुएट्स को हायर कर जी जी रही हो? बिल्कुल इस टाइम जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लेता हूँ। आपके पास इस्लामाबाद में एक दो स्टार्टअप्स हैं, एक एंजन के नाम से है, एक सहारा डॉट आईओ के नाम से है। लाहौर में नेक्स्ट ब्रिज है जो कि रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, उसका एक डिवीजन है। इस तरीके से एंग्रो डिजिटल जो एंग्रो फर्टिलाइजर है और इनबॉक्स वालों ने मिलकर एक एंग्रो डिजिटल ठीक है स्टार्ट किया है। ये भी इन्होंने पीएचएस हायर की है स्टार्ट में, दिस इज द फर्स्ट टाइम के इंडस्ट्री में ओके पीएचएस ओके हायर हो रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। अच्छा इसी तरीके से डेवरिम इंडस्ट्रीज है वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री 4.0 लाना चाह रही है, वो लोग दे आर लुकिंग फॉर गुड ग्रेजुएट्स। ठीक है तो इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एकदम पिछले दो एक दो सालों के अंदर सामने आई हैं क्योंकि एआई बेस्ड और रोबोटिक बेस्ड क्या कर रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर इनिशिएट भी कर रही हैं। इट्स अ गुड साइन। ठीक है। अच्छा सर, एक 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 मैं आज से कुछ अर्सा पहले मेरे से जब मैं, क्योंकि मेरे मेरा भी जो कंप्यूटर के साथ वास्ता है वो तब से है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो सिंस 1980s में जो है ना वो कंप्यूटर से ही पैदा हुआ, कंप्यूटर से ही बड़ा हुआ। क्लास 3 में था तो GW बेसिक पे कोडिंग सही शुरू कर दी। तो वो कुछ जो दोस्त है मेरे, वो मेरे साथ इसी तरह बात करते हैं, वो पूछते हैं कि यार आगे क्या करें, ये क्या करें। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कुछ लोग जो मेरे साथ के दोस्त थे, कोलीग्स थे, उन्होंने नेटवर्किंग के अंदर अपने आप को स्टेप इन किया और वो नेटवर्किंग सीखनी शुरू कर ठीक दी। तो जब वो मुझे देखते थे कि यार तलाल तो घर बैठ के पैसे कमा लेता है, है तो अब उनके लिए मसला ये था कि उनके पास जब तक हार्डवेयर नहीं होगा तो वो कमा ठीक नहीं है सकते। राइट ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के अंदर ऐसी फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है, या आगे आपके ख्याल में जनरेट होंगी या हो चुकी हैं जिसमें इसके ऊपर काम हो सकता जी है? क्यों नहीं है। देखें एआई करने के लिए आपको ठीक है कि आपने बहुत सीरियस काम करना है तो उसके लिए आपको यस कुछ रिसोर्सेस की जरूरत है, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव ऑन दिस थिंग के रिसोर्सेस मैनेज हो जाते हैं वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज कभी मैनेज नहीं हो पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास कहीं से आने नहीं जब तक आप अपने पर प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है और दूसरा जो पॉइंट है बिल्कुल सही उसमें यह बात है कि स्टार्टअप्स के लिए देखिए हम सब ये बात जानते हैं कि नेट के ऊपर बेशुमार साइट्स हैं जो कि इस पर आप जाते हैं बिट करते हैं और प्रोजेक्ट्स विन करते हैं। ठीक है तो अगर आप वहां पे अपनी बिल्कुल स्किल्स के शो करते हैं एआई बेस्ड और मशीन लर्निंग बेस्ड तो आपको वहां से ठीक है 6 महीने में एक या दो प्रोजेक्ट्स ही आते हैं बट आ जाते हैं। ठीक है इसी तरीके से जैसे भी आपको मैंने इन ठीक कंपनीज है का मैंने बात की ये भी कंपनीज देखिए इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव लिया है प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। अब इस तरह का अगर मैं ठीक सब कुछ छोड़ दूं और आप सिर्फ पाकिस्तान में जो इस टाइम जो सी पैक है ठीक है वंस अगेन इट्स अ नॉन ठीक है पॉलिटिकल स्टेट पर जो मगली देने लगा सी पैक एक शख्स को ठीक है जो प्रोजेक्ट है किसी को पसंद आ रहा है किसी को पसंद नहीं आ रहा ये एक सेपरेट स्टोरी है। ठीक है लेट्स फाइंड दी अपॉर्चुनिटी मैं ये बात करता हूँ ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सी ठीक पैक है के जो पूरा प्रोजेक्ट आप देखें तो पूरी दुनिया में बेशुमार इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं और वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को आप देखें तो वो सारे
उनका जो सर्वाइवल है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. आपको इंटेलिजेंस सर्वेलेंस चाहिए, आपको इंटेलिजेंट वो कहते हैं कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है उसमें कम से कम 10-12 ऐसे सेक्टर्स बन जाते हैं जो कि एक स्टार्टअप के लिए, खासतौर पर AI पे स्टार्टअप के लिए बड़े रिच हैं. इफ समबडी वॉन्ट टू जंप इन, ठीक वो एक अच्छा एरिया है, छलांग लगाई जा सकती है. ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ी अजीब सी यहाँ पे हमारे मिसकंसेप्शन सी है कि लोग ये समझते हैं कि आपने PhD कर ली तो बस पढ़ा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपके ख्याल में क्या है कि वाकई सिर्फ हमारे लिए टीचिंग की फील्ड ही बच जाती है सिर्फ कि डॉक्टर लगा के बस टीचर ही है वो, या आगे वाकई कुछ वो पाकिस्तान के अंदर उनका कोई कोई कुछ काम हो रहा है ऑन ग्राउंड, कोई वो डॉक्टर्स काम भी कर रहे हैं। आपने एक एग्जांपल तो दे दी कि अभी एंग्रो ने वो हायर जी करने शुरू किए, तो इसके अलावा भी क्या कोई सेक्टर ऐसा है जी जहां क्यों पर नहीं ये है, काम हर ज्यादा सेक्टर है? में आप जो एक PhD को है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, किसी जमाने में ये होता था कि आप PhD करके बैठ गए और आप बस. अब मेरा ख्याल है कि आफ्टर आफ्टर डूइंग PhD आपकी लाइफ है वो ज्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि यू हैव टू डू रिसर्च, यू हैव टू डू द डेवलपमेंट आल्सो. तो आपको इंडस्ट्री से लाइजॉन भी स्टैब्लिश करना है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना है. हाँ, पाकिस्तान में ये मॉडल इतना कामयाब नहीं हो रहा. उसकी एक जो वजह है वो ये है, देखिए ठीक है। बाहर बाहर दुनिया में जो मॉडल चलता है वो ये है कि इंडस्ट्रीज अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी वालों से सॉल्व करवाती हैं. ठीक है, एंड बिल्कुल इंडस्ट्री ऐसे ही है। एडवांस होंगे. हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री ये समझती है कि वो हमसे ज्यादा एडवांस है यूनिवर्सिटी से. जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम आ ही। रहा है. ठीक है, वो कहते हैं कि जो आपने क्योंकि प्रैक्टिकली काम नहीं किया, आपको नहीं पता हम किस चीज से गुजरते हैं. तो दोनों साइड्स का जो मसला वो ये है बेसिकली. तो अगर हम एक बार बैठ जाए उसको देखें कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए यूनिवर्सिटी ज्यादा रिसोर्सफुल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री के, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आपके पास दो ठीक या है। तीन या चार या पांच PhDs हैं. उन्होंने आपसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के वो पैसे चार्ज नहीं करें जो कि आप अपने के एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं. ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, वो आपके प्रॉब्लम्स पे काम कर सकते हैं सीरियसली. क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो एक बच्चा आपके पास MPhil का है या PhD का है, उसके 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की जो मेहनत है वो जाया हो जाती है अगर वो कोई आउटकम नहीं देता, कोई चीज रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता. तो आई थिंक कि ये ठीक जो एक है। ट्रस्ट का लेवल है ना बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटीज, वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा. क्योंकि दो अफ्रीके समझते हैं जी कि हम उनसे ज्यादा ज्यादा बेहतर जानते हैं. यस, दोनों अपने अपनी जगह पे ज्यादा बेहतर बिल्कुल। जानते हैं, मगर लेट्स सिट टुगेदर एंड थिंक ऑफ इट के प्रॉब्लम आपके पास है, सोल्यूशन यूनिवर्सिटी दे सकती है, फिर मसले हल हो जाते हैं. अभी इट विल टेक टाइम. वेरी गुड। एग्जैक्टली आई थिंक मेरा ख्याल में अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक UET एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जिसने हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई बंदा प्रोड्यूस करके वहाँ पे अपना प्लेस कर लिया हुआ है। और इसी तरीके से फास्ट हो गई गवर्नमेंट। इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं या जो अच्छी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, वो काफी इस मामले में स्टेबल हो गई हैं. अब कोई एक यूनिवर्सिटी को हम नहीं पॉइंट आउट कर ठीक सकते, है। क्योंकि इसमें जो 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 इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी को अपनी एक फेस वैल्यू बनानी है किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर. बिल्कुल ठीक ऐसे। है, अच्छा आपको आपको लेट्स से नेचुरल लैंग्वेज में एक्सपर्ट्स चाहिए, फलां यूनिवर्सिटी में चले जाएं. आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड फलां यूनिवर्सिटी में चले जाएं. जब तक तो ये चीज नहीं होगी, हमारे ये जो अभी आपने इशू रेज किया ये सॉल्व नहीं हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद हम एक और ये जो टोटल इसके अंदर एक थोड़ा सा रिलीजियस टच लेकर जी आता हूँ जी इसके अंदर बात के अंदर, कि कुछ ऐसे हमारे थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट लोग भी पूरी दुनिया में हैं, वो सिर्फ हमारे नहीं है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या कोई ऐसी चीज़ के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर कोई रोबोटिक्स में कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लोग हैं वो ये कह देते हैं कि यार आप खुदा बनने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो हमारे यहाँ पे मेरा अपना जो एक पर्सनल शायद
थोड़ा सा बिलीफ है वो ये है कि शायद हमारे सेक्टेरियन और सेक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो और हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा रिलीजियसली पेशेंस अपना कंट्रोल नहीं करते। तो आपके ख्याल में ये अगर यहाँ पर हमारे कोई इस तरह के ये वाकयात कहीं पर ज़्यादा या कोई एस्केलेट होने के चांसेस तो नहीं है? नहीं देखें, ऐसा होने के चांसेस नहीं है। देखें उसकी वजह यह है, होता क्या है कि बाजू का हम चीजों को वैसे हाइप दे देते हैं बगैर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे ग्राउंड क्या है। देखें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसकी रेलिवेंट डोमेन्स है इट्स अबाउट क्लोनिंग और रेप्लिकेटिंग द ह्यूमन बीइंग, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। खैर जो आइडिया है वो बड़ा बड़ा ठीक है। सिंपल सा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिंपल वर्ड्स में। पहला है टू ठीक है अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो किस तरीके से हमने एक ठीक है हाइपोथेसिस बनाया, हमें लगा कि शायद इंसान इसलिए इंसान है क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है। हमने लॉजिक बेस्ड कंप्यूटिंग शुरू की, पता चला नहीं ठीक है यार इसमें तो और मसले आते हैं, हम लर्न करते हैं, हमने मशीन लर्निंग तरफ चले गए। अच्छा इमोशंस हैं, हम वहां से निकले ठीक और इमोशनल कंप्यूटिंग में चले गए। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो कुछ ठीक है हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको उससे हम कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाएं, एप्लीकेशंस बनाएं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करें ताकि बिल्कुल सवाल नंबर एक को हम रीइन्फोर्स कर सकें, उसमें फाइनेंशियल फ्लो आ सके और ये सर्कल चलता रहे आपका, ठीक है। तो इसलिए ये इशू इतना नहीं बना। हाँ अगर किसी ने किसी को अगर इसको ऐसे इंटरप्रेट करता है कि ये तो ये है और आप इस पे ह्यूमन को एप्लीकेट करने जा रहे हैं, तो ये मैंडेट कहीं पर भी नहीं है एआई का, एक चीज तो ये हो गई। अब ठीक इसी का है ही जो ठीक आंसर है दूसरे एंड के ऊपर जो बनता है वो ये बनता है कि देखें अगर हम कुरान मजीद को बड़े गौर से पढ़ें तो कुरान मजीद के अंदर हमारी जहां जहां लिमिटेशंस हैं मैं बड़ी क्लियरली बता दी गई, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आपसे रूह का सवाल करते हैं, उन्हें बता दीजिए कि रूह आपके रब का अमर है, हुक्म है, ठीक है ना, और जो तुम्हें जो आपको इल्म दिया गया वो बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो आई थिंक कि कुरान मजीद की यही जो एक आयत है ये सारा मसला हल कर देती है कि बिल्कुल कर अगर देती इंसान सिर्फ देखने को कहते हैं, देखने की एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, इमोशन की एबिलिटी है, तो आपने जितने मशीन में डाल दिया गया, चले 2 मिनट हम मान लेते हैं डाल दी हमने मशीन में, मशीन ने देखना भी शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया, सो फोर्थ। मगर वो जो रूह वाला पार्ट है साइंस तो खुद से पीछे हट जाती, वो नहीं आ साइंस खुद सकता। पीछे हट गई ना, क्योंकि साइंस की बेसिक डेफिनेशन में बिल्कुल हट सोल गई। का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो जो मामला वहीं पे क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आई रिजॉल्व थिंक हो जाता है। हैविंग दी डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे इतना बड़ा ये इशू नहीं बनेगा। ठीक है ठीक है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन के दोबारा से अगर मैं स्टेप इन करना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, रोबोटिक्स तो चले एक हमारा इंजीनियरिंग वाली साइड भी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पे, तो कौन सी लैंग्वेजेस हैं या डेवलपमेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस या क्या चीज़ मुझे उसके अंदर अपना ज़्यादा इंटरेस्ट? एक तो आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स जी बता दी, उसके अलावा कि हमारे पास अब आजकल तो इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई जी हैं, तो क्या करूँ उसके अंदर? हम क्या बेसिक्स पे रहें ऊपर स्ट्रक्चर ये पढ़ते रहें सिर्फ, या आगे कोई और लैंग्वेजेस भी कर लें? देखो आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है, जो सी भी आपको लैंग्वेज पसंद है, ठीक है ठीक ना, है एज फार एज जब तक वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स मैनिपुलेट करने की फैसिलिटी देता है। आज के जमाने में ऑलमोस्ट तमाम लैंग्वेज आपको ये करती हैं, आप उस लैंग्वेज में एआई कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो किसी जमाने में एक कॉन्सेप्ट ठीक था कि है प्रोलॉग है, लिस्प है, अब वो वक्त चला गया है, ठीक है। अपनी अब आप किसी भी लैंग्वेज में करें कोई ठीक इशू है नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर क्लास में भी बच्चों से बात करता हूँ, मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर भी, कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम कंप्यूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू चार चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप उसमें से कोई एक चीज ओके स्किप कर देंगे तो आप एआई नहीं कर रहे, उस एक पर्टिकुलर फिलोसफी आपने ठीक है फॉलो करनी है, ठीक है। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, आपने उनके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स ठीक अप्लाई करने हैं जो कि ह्यूमन कॉग्निशन से क्या होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, और साथ में उस ठीक है कॉग्निशन को एक्चुअली वर्केबल बनाने के लिए उन एल्गोरिथम्स को यू नीड सम काइंड ऑफ साइंस, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स से आ जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ओके बायो से आ जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैथ से ले लिए, कुछ स्टैट्स से ले लिए। तो ये चार पिलर्स हैं, आप एक भी ठीक चीज रिमूव कर देंगे तो यू आर नॉट डूइंग एआई। ओके
तो आई थिंक इट सम्स अप एवरीथिंग. और सर इसके बारे में आप कोई ऐसी चीज जो मैं मिस कर गया हूँ क्वेश्चन पूछने से हिसाब से आप उसको एड ऑन कर सके बात कर सके इसके बारे में और. आई थिंक आपने काफी ग्राउंड कवर कर लिया तो बस यही कहूंगा कि जो फ्यूचर है जो मुझे नजर आता है दैट इज टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज मोर पावरफुल देन द प्रीवियस. तो आगे तो हालात सर अच्छा प्रीवियस भी आप प्रीवियस क्योंकि ये चीज अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक एआई बनाई है और अगर आपने ठीक है यू वांट टू जंप इन टू इट देन यू हैव टू क्रिएट अनदर एआई जो मेरे एआई से बेहतर होगी. फिर बिल्कुल आपकी एआई को कम्पीट करने के बिल्कुल ऐसे लिए ही समबडी एल्स हैज टू जंप इन एंड इट हैज टू क्रिएट अ बेटर एआई जो कि आपकी एआई से बेहतर होगी. इट हैज टू वर्क लाइक दैट. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. बिल्कुल सर. मुझे मैं जीसी में था तो मुझे अब ये याद नहीं है कि कौन से टीचर थे उन्होंने मुझे कहा था कि जो कंप्यूटर साइंसेज है आपने जब स्टेप इन कर ली है तो अपने आप को आप ये ना समझना कि आप साइंटिस्ट हो आप टेक्नोलॉजिस्ट हो. साइंटिस्ट वो होता है जो एक ही पुरानी चीज को उठा उठा के बार बार उस पर रिसर्च करता रहता है. टेक्नोलॉजिस्ट वो है जो आई एम रात सुबह उठ के सॉरी, बदल जाता है. मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करूंगा और बहुत स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करूंगा. अच्छा ये एक मिसकंसेप्शन है. सर देखिए, जब आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है तो आप टेक्नोलॉजिस्ट कैसे हो गए? मैं आपको छोटी सी मिसाल, तो मैं कहता हूं मैं अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट करता हूँ. आई नेवर से माई सेल्फ टेक्नोलॉजिस्ट और मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ. उसकी बजाय देखो, टेक्नोलॉजी में वी वॉन्ट इनोवेशन. वी नीड टू बी वेरी वेरी इनोवेटिव. ठीक है, साइंस आपको बेसिक लेआउट प्रोवाइड करती है. जैसे अगर मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं तो आई नीड टू फाइंड आउट न्यू वेज फॉर कंप्यूटिंग. मैं सोचता यार ये बिट्स और बाइट्स पे काम करते हैं, वन और जीरो पे करते हैं, ये बाइनरी ही क्यों है, कि टेट्रा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा जी, वो हमारे पास बिट्स नहीं है. बिल्कुल अच्छा, व्हाई नॉट डीएनए? क्या मैं डीएनए पे कंप्यूट कर सकता हूँ? ए जी सी टी, इसके चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं. तो मैं टेट्रा बिल्कुल सिस्टम के ऊपर जाए कि कंप्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? गेटिंग माई पॉइंट? लाइट है, क्या मैं फोटॉन पे कंप्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर बिल्कुल सकता हूँ? अच्छा जी, मेरे पास इन कंप्यूटर्स के ऊपर जिन्हें मैं काम कर रहा हूँ उस पर ट्रू रैंडम नंबर जनरेट नहीं होता. नेचर में ट्रू रैंडमनेस है, मैं कैसे वो कैसे कंप्यूट कर रहा है रैंडम फैक्टर्स को? तो जो जो साइंस जो साइंटिस्ट है दे आर मोर इनटू द फंडामेंटल क्वेश्चंस. जैसे भी शुरू में मैंने बात की कि ओके यूनिवर्स कंप्यूट कर रही है, मैं और आप उसके ऑब्जेक्ट्स हैं. कर रही है बिल्कुल ठीक, उसकी मेमोरी में पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं. टाइम उसकी मेमोरी में पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अगर ये ना इसका पड़ा हुआ ओके ऑब्जेक्ट ना होता तो जैसे कुरान जितने भी ये बात आता है, बात आई भी है कि जो टाइम हमारा यहाँ का है वो टाइम और जो टाइम कयामत के दिन होगा वो टाइम बहुत डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ का एक डिफरेंस दिन है वहां कितने हजार सालों के बराबर है. गेटिंग? तो ये टाइम बिल्कुल कहीं ऐसे ना ही कहीं पे कंप्यूट हो रहा है. कंपाइंड टाइम अब यहाँ पे कोई आउटर एंटिटी नहीं है, इसी यूनिवर्स का पार्ट है, इसी कंप्यूटिंग सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, तो एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट मैं यूनिवर्स को देख रहा हूँ कि वो एक कंप्यूटेशनल मॉडल है. तो वो किसी सॉफ्टवेयर डिजाइन को फॉलो किया गया है, उससे उससे कोई सॉफ्ट डिजाइन होगा, क्या होना चाहिए? तो होगा देखिए, थॉट प्री चेंज हो गई है. ठीक ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट, बिल्कुल यस, चेंज कर दिया आपने जो थोड़ा. टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपने जब ये कहा जी कि कंप्यूटिंग होगी बाइनरी के ऊपर ही, अब उनको इन्हीं कॉन्स्ट्रेंट्स में रहते हुए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है. अब मैं अगर मैं आज कंप्यूटिंग ठीक है प्रिंसिपल चेंज कर देता हूं और उसको बाइनरी हटा के टेट्रा पे ले जाता हूँ, डीएनए पे कंप्यूट करना शुरू कर देता हूँ, तो फिर ठीक इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी आज आप यूज कर रहे हो वो प्रिंसिपल्स क्या हो गए आपके? टोटली खत्म है चेंज हो गए. सब जीरो यस, मगर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि साइंस इज गुड और टेक्नोलॉजी इज बैड या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक साइक्लिक है. साइंस डेवलप करती है नॉलेज फंडामेंटल को, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, देन कम्स द फीडबैक फ्रॉम द कंज्यूमर्स, लिमिटेशन सामने आती है, देन वी गो बैक टू द साइंस. तो ये हर जो फेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सब फेजेस इक्वली गुड है. बड़ा इंपॉर्टेंट तो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं उस पॉइंट से थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ.
तो नहीं, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया, वरना मैं भी शायद दूसरों को गलत गाइड करता जा रहा हूँ आपसे बड़े अरसे से। ठीक है, तो ये वाकई बड़े आपने एक बात की है कि ये चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर बिल्ड करते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी तो किसी टाइम पे चेंज हो सकती है और चीज़ें बदल सकती हैं। तो ठीक है सर, और सर ऐसी कोई चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स को आप बता सके जो अभी यूनिवर्सिटी में नहीं है, या कुछ ऐसे भी है जो यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं मगर वो शायद काम की बातें मिस कर चुके हैं, या उसने छुट्टी कर ली थी उस दिन, या उनको पढ़ाया नहीं गया। एक ये भी बड़ा हमारे इशू है कि वो कहते हैं हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने बैचलर्स किया था और जो हमने पढ़ा था, ठीक है, और आज हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, चीजें कभी वो नहीं जो हमने कभी स्कूल लाइफ में की थी या यूनिवर्सिटी लाइफ में की थी। अब हम जो कर रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल तो बेसिक जो चीज है वो ये कि बिल्कुल यूनिवर्सिटीज डिफरेंट ने है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने, आपकी बेस बना रहे, ठीक है, आपको गाइड करना है, आपको ट्रैक पर रखना है, ठीक है। एक्चुअल जो लर्निंग है वो ये है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को लेके घर आने के बाद आप खुद क्या करते हैं उसका, ठीक बिल्कुल सही है, आप बात है। उसके ऊपर और क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप उन कॉन्सेप्ट को खींचे कहां तक लेके जाते हैं, देन यू गो बैक टू योर क्लासेस, या वापस जाए यूनिवर्सिटी में, जाए किसी प्रोफेसर के साथ, किसी टीचर के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, एंड यू स्टार्ट आस्किंग हिम, रिक्वेस्ट हिम, या मुझे भी अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम दो, पिच में मुझे साथ में ऐड करो। ठीक है, आई थिंक जो एक्चुअल लर्निंग साइकिल है तब स्टार्ट होगा, वरना आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, फिर कोई खास फर्क नहीं आएगा आपकी लर्निंग के अंदर। बिल्कुल 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 सही कहा, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया इस बात को। ठीक है सर, आपका थैंक यू वेरी मच एनी फॉर टाइम कोई ज्वाइनिंग मसला मी। नहीं, छोटी सी मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा चेंज लेकर आया जाए और लोगों को बताया जाए, कोई आगे कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ें। आपके साथ मैं आपको और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्टर्ब एनी करूंगा टाइम बाय टाइम टाइम, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू जी। आईटी। लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ समझते हैं कि जी ये आईटी की फील्ड है ही किसी काम की नहीं, कुछ लैपटॉप बांटने को भी समझते हैं कि वो बुरा है, कुछ कहते हैं वो बड़ा अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम एक सोशली भी बात कर जी सकते हैं और आईटी से रिलेटेड भी बात श्योर, कर सकते हैं। तो आप अगर कोई बात ऐसी कोई और ऐड करना चाहें, थिंक कोई किसी को सिखाना चाहें तो ज़रूर, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, शायद आपको मेरी तरफ से कुछ लोग ऐड करें, क्वेश्चन आंसर का सेशन जारी रहेगा, लोग इसमें क्वेश्चंस ठीक पूछते है, रहेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक और भी सेशन अगर किसी तरीके से किसी टॉपिक के ऊपर हम कर श्योर, सकें ज़रूर करेंगे। तो आपके लिए इजी है लोगों को आगे फर्दर ऐड करना या गाइड करना, ताकि अगर तो वो करें तो मैं उनको रोकूं, नहीं कोई ऐसा मसला और नहीं, वरना मैं आपके थ्रू जो है नहीं एनी टाइम। एक मैसेजिंग शुरू कर देखिए, लें। जब मैंने, मुझे ठीक है, याद है कि जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पे जब एआई पढ़ाना शुरू की, उस वक्त मुझे लिटरली स्टूडेंट से पकड़ना पड़ता, यार ये पढ़ लो कोर्स, भाई काम आ जाएगा। तो स्टूडेंट कहता, ये पाकिस्तान में कहाँ आना है, ये तो बाहर भी चलना है। और अब एकदम मेरे देखते 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 2004 में ये ऐसा होना शुरू हुआ, 10-12 सालों के अंदर चीजें बहुत चेंज हो गई, ठीक है ना। आई हैव ऑलवेज बिलीव दिस बहुत थिंग चेंज हो के गई। एक को भी आप समझा देना बात काफी है, क्योंकि एक से दो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आई डोंट माइंड, को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, गुड, थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपको रात को तंग किया, सुबह मोस्ट प्रॉब्ली आपने फिर दोबारा यूनिवर्सिटी जी जाना होगा, पढ़ाना जी होगा। सो ठीक है, तो थैंक यू सर वेरी श्योर, मच, थैंक यू वेरी श्योर, मच फॉर थैंक योर यू। टाइम। ओके जी, तो ये हमने कुछ बातें की सर वजाहत से। ही इज़ एन एक्सेलेंट टीचर, ही इज़ एक्सेलेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। वो जो तरीका उनका बात का समझाने का है, आई थिंक वो बड़े कुछ लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जो कि इस तरह के तरीके से बात सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। हर एक ने मेरा ख्याल में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर गुजरे जो जितना मर्जी कोशिश कर ले पढ़ाने की नहीं समझ आती थी, और कुछ ऐसे होते हैं वो आकर ऐसे बताते थे कि बिल्कुल आसानी से कोई ना कोई बात समझ आ जाती है, मुश्किल से मुश्किल बात भी। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया इनका कि उन्होंने मुझे टाइम दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए।
इंशाल्लाह मैं उनको कोशिश करूंगा कि दोबारा किसी और टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू आईटी अगर वो बात कर सके, क्योंकि मैं उनका ज़्यादा टाइम इस वक्त नहीं लेना चाहता था, बिकॉज़ काफ़ी ये रात का टाइम है, हम लोग तो फारग बैठे रहते हैं, कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास, वो बिज़ी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनका इतना ज़्यादा टाइम ना लिया जाए, तो उनको हम किस्तों के अंदर बारी बारी उनको साथ उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। आप लोगों को जो जिस जिसने भी ये वीडियो देखी है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप उनसे दोबारा पूछना चाहते हैं, कोई मिस कर गए हो, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि जहन से बात निकल जाती है जो पूछनी होती है, तो अगर आपको बाद में याद आ जाए, आप पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे कमेंट करें, उनको आप मैसेज भी कर सकते हैं, मगर मैं इसीलिए उनसे मैंने पूछ लिया था कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, कि ज़्यादा लोग अगर उनको ऐड कर लें या मैसेज करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर भी अगर आप कमेंट्स करें तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बाकी जो लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो शायद उन तक भी वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके। आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि आपके पास भी जितनी जितनी जिस जिस चीज़ के ऊपर नॉलेज है वो ज़रूर शेयर करें आगे, क्योंकि जब तक आप वो शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि अच्छी चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे ऊपर, मैं तो ये अब शायद पहले मैं ऐसे नहीं समझता था, अब मैं ये समझना शुरू हो गया हूँ कि जो नॉलेज ट्रांसफ़र है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एक बहुत बड़ा, इसको चैरिटी कह लें या एक नॉलेज ट्रांसफ़र जिस तरह के भी फॉर्म के अंदर हो, ये एक शायद हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ये बात। थैंक यू जी आप सबका आने का। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, दो आई हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन फ्रेंड्स एज वेल, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू देम एंड स्पीक टू देम इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट सम टाइम आई एम गोना हैव सम शो इन एन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एज वेल दैट वॉट आई एम एंड वॉट वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सोशल इशूज, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस दैट वी दे एक्चुअली हैव अंडरस्टूड अबाउट अस एंड अबाउट पाकिस्तान। अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टिल थिंक दैट पाकिस्तान एंड इंडिया आर काइंड ऑफ द सेम कंट्री, दे आर काइंड ऑफ द सेम पीपल। येस इन सम वेज वी आर सेम, वी हैव द सेम स्किन, बट समटाइम्स और रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एक्ट डिफरेंटली, वी स्पीक डिफरेंटली, वी ईट डिफरेंटली, सो द सेम थिंग दैट वॉज डिस्कस इन 1947 दैट इट्स अ टू नेशन थ्योरी, येस इट डज एग्जिस्ट, सम पीपल डोंट एग्री, सम पीपल आर ट्राइंग टू फिनिश दिस टॉपिक एंटायरली बाई सेइंग दैट देर इज नो डिफरेंस, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स दैट येस देर देर इज़ अ डिफरेंस, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैनॉट बी फ्रेंड्स विद दैम। आई हैव लिव्ड ओवर देयर इन दुबई एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, बिलीव मी नो बडी हेट्स अस, येस देर आर डिफरेंसेज जस्ट लाइक वी हैव डिफरेंसेज, माई फ्रेंड्स लिविंग इन लाहौर एंड लाहौर इन इस्लामाबाद और एनी प्लेस एल्स, दे हैव डिफरेंसेज एज वेल, मे बी इट कैन बी ऑन पोलिटिकल थिंग्स, इट कैन बी ऑन रिलीजियस थिंग्स, सो दिस थिंग इज देयर दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन थाट एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, सो दे आर वेरी गुड पीपल, देर आर मैनी गुड पीपल, येस बैड पीपल एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वन बैड फिश मेक्स द पॉन्ड डर्टी, और इस तरह की बात है ये सारी। एनीवे थैंक यू वेरी मच जिस जिसने मुझे ज्वाइन किया आज की लाइव फीड पे, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। एनी वन आउट ऑफ यू गाइज जो भी इसको मेरी इस टॉपिक के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहे सोशल टॉपिक पे, प्लीज़ डू गिव मी अ मैसेज, इनबॉक्स मी और कमेंट ओवर हेयर, आप एक टॉपिक रेज कर दें, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप आके वीडियो के ऊपर डिफरेंट जो मेरे व्यूअर्स हैं और आपके व्यूअर्स हैं, और ये एक चेन चलती जाएगी, जितने भी व्यूअर्स आ रहे होंगे उन सब से हम बात कर लेंगे, उन सबको एक मैसेज कन्वे कर देंगे। और जी थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो देन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैं थोड़े
शायद सुबह तक मैं कोई नया टॉपिक अनाउंस कर दूं कि किस बात पे हम बात करेंगे, वरना जनरल चिट चैट करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, खुदा हाफिज़।